ऐतिहासिकता के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। साल भंजिका की नगरी, माला देवी, अठखंबा, बाजरा मठ, ढेकीनाथ, बिहारी जी का मंदिर और आचार्य जिन तारण तरण देव के प्रथम चातुर्मास की गुफाएं, इन सारी चीज़ों को सहेज कर ग्यारसपुर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल है सारे देश के लिए। आज बहुत प्रसन्नता का अवसर हम सबके बीच उपस्थित है। मुझे यहाँ 6.5 माह साधना आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ और इन सभी पत्रकार बंधुओं ने इस पूरे समय में मेरे संदेशों को सबके पास तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। मैं सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज 25 अक्टूबर है। आज की तिथि सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तारण विहार में देश के कोने कोने से बहुत ही वरिष्ठ और मूर्धन्य व्यक्तित्व ग्यारसपुर में पधारे हुए हैं। प्रसंग है झारखंड में स्थापित श्री तारण भवन से संबंधित बैठक का। इस निमित्त को लेकर सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण भारतवर्ष से सभी जिलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रांतों से आए हुए हैं। झारखंड में स्थान है, उसकी मीटिंग कहाँ होना चाहिए? हाँ, ये 11 को मीटिंग हो रही है। बहुत अच्छा, सुंदर प्रश्न है आपका। क्योंकि जब वहाँ वार्षिक कार्यक्रम होता है तब प्रायः वहाँ मीटिंग होती ही होती है। अब चूंकि दूर का मामला है, कोरोना की समस्या है, ट्रेनों में भी आने जाने का थोड़ा सा अनुकूल साधन नहीं बन पा रहा है, इस कारण से ग्यारसपुर का चुनाव किया है। अभी कुछ दिन बाद पुनः फिर मीटिंग वहीं रखी गई है, झारखंड में तारण भवन में ही। एक समय बीच में जो गैप मिल गया था, सब लोगों का बहुत दिनों से मिलना जुलना भी नहीं हुआ था, इस संदर्भ में चर्चा वार्ता भी नहीं हो सकी थी, इस कारण से ग्यारसपुर का चुनाव किया। और सबकी भावना थी कि ग्यारसपुर की बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक स्थल है। मुझे भी यहाँ 6.5 माह रहकर साधना करने का अवसर मिला। इन सारी भावनाओं से जुड़े हैं ये सभी श्रेष्ठ वर्ग और पदाधिकारीगण। इन भावनाओं के तहत ग्यारसपुर का चुनाव किया गया और आप सबके बीच यह बैठक सम्पन्न हो रही है। झारखंड में समेत शिखर नाम का जैन समाज का एक विशाल तीर्थ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धर्म तीर्थ है। आप जानते हैं जैन धर्म में हुए 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर भगवान ने समेत शिखर की माटी से मोक्ष को प्राप्त किया। ये एक धारणा, विश्वास और यथार्थता है कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर होते हैं, वे सभी अयोध्या में जन्म लेते हैं और समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं। अभी जब राम मंदिर के शिलान्यास का अवसर था, तब जैन समाज में भी इस बात को लेकर भारी हर्ष था, अत्यंत प्रसन्नता थी कि एक तरफ भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, दूसरी तरफ जैन समाज में अत्यंत हर्ष था कि अयोध्या वो स्थान है जहाँ हर कलिकाल के 24 ही तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं और समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं। समेत शिखर अतिशय पवित्र स्थान है जहाँ से करोड़ों करोड़ों साधुओं ने मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया है। वहाँ अखिल भारतीय तारण समाज के सहयोग से एक विशाल तारण भवन की स्थापना सन 2004 से प्रारंभ की गई थी। आज उसका एक विशाल वटवृक्ष की तरह स्वरूप तैयार हो गया है। ये सभी पदाधिकारीगण जो आपके ग्यारसपुर नगर में यहाँ उपस्थित हैं, इन सबकी देखरेख में, इन सबके निर्देशन में तारण भवन के सभी क्रियाकलाप संपन्न हो रहे हैं।
और सभी की भावनाएं ऐसी बनी रहती हैं कि शिखर जी जो सिद्ध क्षेत्र है तारण भवन के माध्यम से हम जन जन में अध्यात्म चेतना की जागरण का कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि जनमानस में एकमात्र अध्यात्म धर्म की भावनाएं ही सुखी रहने का एकमात्र आधार है और समेत शिखर जैसे सिद्ध क्षेत्र जो हर मनुष्य के लिए अपनी ओर आकृष्ट करने में निमित्त होते हैं, जहाँ से अनेक अनेक योगी साधु मुनि साधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे पावन स्थल पर 16वीं शताब्दी में हुए आचार्य भगवान श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने विक्रम संवत 1566 में ग्यारसपुर में अपना प्रथम चातुर्मास गुफाओं में संपन्न किया था मानसरोवर के निकट, उनकी वाणी की प्रभावना के निमित्त से तारण भवन की स्थापना समेत शिखर जी में की गई है और एक विशाल स्तर पर संपूर्ण देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में अध्यात्म की चेतना को जगाने का एक बृहत्तम कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का उद्देश्य है कि हम किसी भी वर्ग में भेदभाव नहीं करते, ना तो जैनों में ही भेदभाव करते हैं और ना ही जैनेतर लोगों में भेदभाव करते हैं। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का उद्देश्य है मानव मात्र में आत्म चेतना का जागरण करना, अध्यात्म की भावनाओं का जागरण करना और इस पक्ष में तारण भवन को लेकर जो समेत शिखर जी में स्थित है वहाँ भी इसी प्रकार के सारे समायोजन भी किए जाते हैं, जहाँ सभी लोग एक मंच पर बैठकर अपनी बात करते हैं, आपसी प्रेम भाव में वृद्धि करते हैं, मानवीय धर्म की भावनाएं भाते हैं, अध्यात्म का आराधन करते हैं और सभी के लिए कल्याण का मार्ग बनने में तारण भवन सहायक है। ये सभी पदाधिकारीगण संपूर्ण देश के लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, सभी का जीवन मंगलमय हो और समेत शिखर जी आप भी पधारें, इनमें जो जो भी सज्जन हैं आप सब वहाँ से जुड़े हुए ही हैं सभी पदाधिकारीगण और सभी का एक उद्देश्य है कि सभी लोग शिखर जी पहुँचें। देश के सभी लोगों को ये कमेटी आमंत्रित करना चाहती है, एक बार आप अवश्य ही शिखर जी पधारें, देखें उस सिद्ध भूमि का अतिशय और नज़ारा। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर होते हैं वे प्रायः अयोध्या में 24 ही जन्म लेते हैं और 24 ही समेत शिखर से निर्माण को प्राप्त करते हैं, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार ये हुंडाव सर्पणी पंचम काल है, इस काल के प्रभाव से इस बार इस 24 ही में अनेक तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से जन्म लिए हैं और 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से मोक्ष भी गए हैं, 20 तीर्थंकर समेत शिखर से निर्माण को प्राप्त हुए हैं। अतीत और वर्तमान सभी हमारे साथ है, इन तीर्थंकर भगवंतों की देशना प्राणी मात्र के लिए कल्याण का साधन बनती है। ऐसे पवित्र सिद्ध क्षेत्र पर, अतिशय महत्वपूर्ण सिद्ध भूमि पर तारण भवन की स्थापना सकल तारण समाज के लिए गौरव का विषय है और संपूर्ण देश के लिए गरिमा को बढ़ाने वाला है और ये समस्त कमेटी संपूर्ण देश के लोगों के लिए इस मीटिंग के दौरान शुभकामनाएं व्यक्त करती है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आत्मज्ञानमय हो, अध्यात्मय हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्म चेतना को जागृत करें और इस मानव जन को सफल बनाए, ऐसी सभी देशवासियों के प्रति प्रदेशवासियों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दूसर थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय।
महामंत्री महोदय के लिए लीजिए। आज की तारक भवन से संबंधित जो मीटिंग 1100 में आयोजित की गई है, उस संदर्भ में हमारे तारक भवन शिखर जी की कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय सही ज्ञानचंद जी जो मीना से बता रहे हैं, वही भी अपना उद्बोधन देंगे श्री ज्ञानचंद जी से। उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप मैं परम पूज्य सिद्धे महाराज जी के चरणों में नमन। उपस्थित सभी शिखर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण और 1100 के हमारे आत्मीय बंधुओं, इस कोरोना के विपत्ति काल के कारण करीब 8 महीने से हम लोग बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। शिखर जी एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व के सारे लोग दर्शन करने के लिए और अपनी मनोभावना वहाँ व्यक्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन 8 महीने से वहाँ लॉकडाउन की स्थिति है। जैसा हमारे यहाँ लॉकडाउन है वैसे ही वहाँ है। और झारखंड में तो एक बात और भी है कि वहाँ कोरोना का कुछ विशेष प्रभाव है, इसके कारण सारी जितने भी तीर्थ जितने भी मंदिर हैं पहाड़ पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पहाड़ों पर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। और वही हाल तारण भवन का है, इसलिए हमने निश्चय किया क्योंकि उस संदर्भ में बहुत सी चर्चाएं करना थी, बहुत से निर्णय लेना थे कि अब भविष्य में क्या करना चाहिए, और इसलिए ये निर्णय लिया कि महाराज जी भी यहाँ हैं, उनका भी हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाएगा। और क्योंकि इस समय मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, और ये निश्चय किया गया कि 1100 में इस बैठक का आयोजन किया जाए। सारे पदाधिकारी तो उपस्थित नहीं हो पाए हैं क्योंकि 3 जो है उसमें रिजर्वेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है, और सारे लोगों को व्यवस्था करके आना पड़ता है, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके मध्य हम लोग ये चर्चा करेंगे कर रहे हैं कि किस प्रकार से आगामी हमारी योजना, क्योंकि तारण भवन में एक विशाल चैत्यालय का निर्माण किया जाना है और हम चाहते हैं कि वो चैत्यालय इस प्रकार का बने कि वो एक मिसाल हो, दूसरे लोगों को भी ये समझ में आए जब वहाँ जाएं दर्शनार्थ तो उनको लगे कि कलाकृति का ये एक अनूठा नमूना है, ऐसी हम लोगों की भावना है। और उसके लिए बहुत राशि की आवश्यकता है, करीब 2 करोड़ रुपए का वो हमारा प्रोजेक्ट है। तो उसके संदर्भ में भी हमें विचार करना है कि पैसा किस प्रकार से एकत्रित हो और हम समाज में उसको किस प्रकार से हम जाके वो बातचीत करें। सन
2012 में मैंने अध्यक्ष पद का भार संभाला था और तब से अभी तक कार्य बहुत प्रगति पर है। अध्यक्ष पद का जब मैंने भार संभाला था उस समय 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर और 1 मंजिल ऊपर की ऐसी 2 मंजिलें बनी हुई थी। अब मेरे कार्यकाल में हमारे सारे साथियों ने सहयोग करके 1 तीसरी मंजिल और 8 फ्लैट भोजनशाला इसका भी निर्माण हो चुका है। अब चैत्यालय का निर्माण होना है, उसके लिए हम लोग तैयारी में हैं और उस हेतु सारी योजना यहाँ बनाई जानी है। मैं आभार मानता हूँ 1100 समाज का कि उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया स्थान हमें उपलब्ध कराया और बहुत बढ़िया उनकी ये व्यवस्था देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और वेल बिगन इज हाफ डन ऐसी कहावत है, जब इतना बढ़िया आयोजन में जी बैठक हो रही है तो निश्चित सफलता की ओर होंगे हम लोग। इतना ही कहने अपनी वाणी को काम दिया। आपका संदेश टीवी के हिसाब से, मीटिंग के हिसाब से ऐसा देंगे। अब इस संदर्भ में आपका संदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहुंच जाए तारण भवन से। आज की ये अति महत्वपूर्ण बैठक तारण भवन समेत शिखर जी ट्रस्ट के संबंध में है। इसके संस्थापक प्रेरणादायक इतिहास रचनाकार पूज्य बाल ब्रह्मचारी श्री बसंत जी महाराज जी यहाँ पर विगत 6 महीनों से विराजमान हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हम करना चाहते थे। आप सभी को विदित है कि ये कोरोना काल जो विगत 6 महीनों 8 महीनों से चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। आदमी स्थगित हो गया है, जो जहाँ है वहीं रुक के रह गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सारे कार्य, आदमी के व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो गए हैं, जिसमें तो ये धार्मिक कार्य है। अब इसे गति देने का प्रयास इस कमेटी द्वारा किया गया है। ग्यारसपुर जैसा कि महाराज जी ने बताया अति महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं और उनके साथ हमारा भाग्य भी जुड़ गया कि आज ये मीटिंग करने का सौभाग्य उनकी वजह से हमें प्राप्त हुआ है। रुके हुए कार्य को गति देने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ प्रयास किया है पूज्य महाराज जी के निर्देशन में। अब यहाँ से हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो, क्योंकि ये सम्मेलन शिखर जी एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की पूरी जैन समाज ही नहीं अपितु अन्य समाजों की भी आस्था का केंद्र है, तब फिर ऐसी जगह के विषय में लगातार निरंतर सोचना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम यहाँ से इस कार्य को गति देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी साहब थोड़ा 10 मिनट का गैप लीजिए, 10 मिनट बाद फिर सबको बुला लीजिए।